पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है और जो सबसे पुरानी चट्टान आज मौजूद है वो भी 4 अरब वर्ष पुरानी है। उस चट्टान के शोध के बाद भूवैज्ञानिकों को जीवन के बारे में दिल को ललचाने वाले सबूत मिले हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी पर शुरुआती जीवन कैसे रहा होगा या कैसे फला फूला होगा और ये अब तक कैसे बचा रहा होगा? वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मुकुंद शर्मा प्रीकैम्ब्रियन पेलियोबायोलॉजी के क्षेत्र में जबरदस्त योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्रोफेसर मुकुंद शर्मा ने न सिर्फ हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए बल्कि और भी बहुत कुछ बताया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो धरती की आयु है वो लगभग 400 करोड़ साल पुरानी है। 400 करोड़ साल से लेकर के 54 करोड़ साल तक का समय कालखंड, इसको हम प्रीकैम्ब्रियन कहते हैं, ये बहुत बड़ा समय है। जबकि 54 करोड़ से लेकर के आज तक का समय, जिसको कि हम फेनोलोजोइक कहते हैं, इसमें सारा विकास हुआ। जो सारा विकास हम देखते हैं उस विकास का उद्भव जो था वो बहुत ही शुरुआती दौर में हुआ था। यानी कि जैसे मैंने कहा कि 400 करोड़ साल शुरुआती दौर था, पर उस काल की कालखंड की चट्टाने हमारे संस्थान हमारे देश के अंदर नहीं मिलती हैं। दुनिया में कुछ ही जगहों पर ऐसे चीजें पाई गई हैं जहां पर कि हम ये कह सकते हैं कि इतनी पुरानी चट्टाने हैं। होता यह है कि इतनी पुरानी चट्टाने जब आती हैं तो उनको उनके ऊपर बहुत सारे मेटामॉर्फिज्म, इग्नियस एक्टिविटी, टेक्टोनिक, ये सब चीजें होती रहती हैं और वो सारी रॉक खत्म होती जाती हैं, तो हमें उनका कोई ज्ञान नहीं मिल पाता कि ऐसी चट्टाने हैं भी। परंतु क्योंकि हम मानव एक बहुत ही क्यूरियस जीव है, वो ढूंढने की कोशिश करता रहता है और आज की तारीख में ऐसी कुछ चट्टानों के अवशेष, चट्टाने तो नहीं मिल सकी हैं, उनमें पाए जाने वाला एक खास तरीके का मिनरल जिसे कि ज़िरकन कहते हैं, वो जैक हिल ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जहां पर कि जैक हिल में ऐसी चट्टानों के पूरा अवशेष यानी कि उसमें पाया जाने वाला एक खास तौर का मिनरल पाया गया है। ऐसा ही कुछ चट्टानों के अवशेष हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, परंतु उसमें पाया जाने वाला यह मिनरल हमारे देश के सिंहभूमि क्रेटोन में भी पाया गया है और बुंदेलखंड क्रेटोन में भी पाया गया है। अब यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि आपको हमारे देश के अंदर भी ऐसे कालखंड की 5 बड़े बड़े हिस्से पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रेटोन कहते हैं। दुनिया में कुछ ही जगहों पर ऐसे क्रेटोन रह गए हैं। हर देश इतना भाग्यशाली नहीं है कि उसके पास इतनी पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं और उन पुरानी चट्टानों में ही हमको ऐसे अवशेष ढूंढने पड़ेंगे। अब अगर हमें ऐसी पुरानी चट्टान मिल भी जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें पूरा अवशेष हमको मिलेंगे। पूरा अवशेष वही मिल सकते हैं जहां पर कि स्ट्रेटिफाइड या सेडिमेंट्री रॉक मिलती हैं। इतनी पुरानी चट्टानें अधिकांशतः या तो मेटामॉर्फिक हैं और या फिर इग्नियस हैं, इन्हें आग्नेय और परावर्तित चट्टानें कहते हैं। परंतु हमको अवशेष ढूंढने के लिए सेडिमेंट्री रॉक्स को ही ढूंढना पड़ेगा और ऐसी सेडिमेंट्री रॉक हमारे देश के इन 5 कालखंडों में से जो जो क्रेटॉन्स कहलाते हैं, जिन्हें हम आर्कियन क्रेटॉन कहते हैं, उनमें धारवाड यानी कि जो साउथ इंडिया में एक हिस्सा है वहां पाया जाता है और सिंहभूमि क्रेटॉन में ऐसी सेडिमेंट्री रॉक पाई गई है। और हम बहुत सिर्फ एक से भाग्यशाली हैं कि हमें सिंहभूमि क्रेटॉन के हिस्से में एक ऐसी संरचना मिलती है जिसे हम स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं, जो कि पहले पहले पाए जाने वाले जीव और उस समय के कालखंड में जो समुद्र के अंदर घटनाएं हो रही थी उनसे बनने वाली एक स्ट्रक्चर है, उसे हम स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। तो आर्कियन स्ट्रोमेटोलाइट हमारे देश के सिंहभूमि के हिस्से से पाए गए हैं और धारवार में भी बहुत अच्छे और बहुत उत्तम किस्म के स्ट्रोमेटोलाइट मिलते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट भी सिंपल भी हो सकते हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे संरचनाएं हैं और उनके अंदर कई तरीके के विकास के रूप भी हम देख सकते हैं, जैसे कि उसमें शंकुआकार यानी कि कोनिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं या उनमें डिवीजन होने लग जाता है, ब्रांचिंग होने लग जाती है। तो ये एक एडवांस स्टेज है। अब ऐसी चट्टानों को जब हम पा भी लेते हैं तो उसमें पाया जाने वाला जो जीव, ये स्ट्रोमेटोलाइट है, ये कोई जीव नहीं है, ये जीवों द्वारा बनाई गई संरचनाएं हैं। जैसे क्योंकि आज की तारीख में जब हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शार्क बे में या मैक्सिको के पास कुछ ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके आधार पर हम लोगों ने यह निश्चित किया है कि स्ट्रोमेटोलाइट जो हैं वो बहुत ही सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। जब आर्कियन की चट्टानें हमको मिल जाती हैं और सेडिमेंट्री रॉक मिल जाती है, तब उसमें हम ढूंढना शुरू करते हैं कि क्या कोई जीव के अवशेष बाकी रह गए हैं। इतने पुराने अवशेष यानी कि समझ लीजिए 360 करोड़ साल पुराने जीव के अवशेष ढूंढना आसान कार्य नहीं होता, और आसान अगर मिल भी जाते हैं तो उस पर काफी चर्चाएं होती हैं वैज्ञानिकों के मध्य, क्योंकि हर ऐसे चट्टान और ऐसी खोज को 3 चुनौतियों से गुजरना पड़ता है।
जिसमें कि जो भी जो जो वैज्ञानिक इसको रिपोर्ट कर रहा होता है उसे बताना होता है कि ये चट्टान वाकई में आर्कियन काल की है। आर्कियन जो शुरुआत समय है वो 400 करोड़ साल से लेकर के 250 करोड़ साल के मध्य का कालखंड माना जाता है। तो इसे ये प्रूव करना पड़ता है कि जिस रॉक में वो यह फॉसिल दिखा रहा है या जीवाश्म दिखा रहा है वो वाकई में आर्कियन काल का है। और फिर ये संरचनाएं बनी थी, ये जीवाश्म जो हमको मिल रहे हैं ये वाकई में ऑर्गेनिक हैं, यानी कि जीव द्वारा ही बनाए गए हैं। और फिर ये उसी समय जमा हुए जिस समय ये चट्टानें बन रही थी। तो ये तीन कसौटियां होती हैं और इन तीन कसौटियों पर उतरने के लिए दुनिया के बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी। आज तक जो जो बहुत माना जाता है वो ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा एक क्रेटॉन है, वहां के क्रेटॉन में जो पाए गए फॉसिल हैं उनको माना जाता है। और या फिर हमारे आर्कियन धारवाड़ यानी कि कर्नाटका स्थित एक एक शहर है धारवाड़, धारवाड़ में ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें कि ऐसे प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए। परंतु हमारे जीवाश्म और ऑस्ट्रेलिया के जीवाश्म के बीच का फर्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जीवाश्म करीब करीब 350 करोड़ साल पुराने हैं, वहीं हमारे यहाँ के जो पाए जाने वाले जीवाश्म हैं वो 300 करोड़ साल के हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमारे पास चट्टानों के अवशेष यानी कि जिरकन मिनरल तो पाया जाता है जो ये बताता है कि 400 करोड़ साल पुराने यहाँ रॉक हुआ करती थी, परंतु उनका इरोजन और वेदरिंग हो करके सिर्फ मिनरल रह गया, बाकी रॉक खत्म हो गई। अब प्रश्न उठता है कि उस समय जो जीव था वो जीव किस तरीके से अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तो क्या शुरू से यहाँ पर धरती के ऊपर ऑक्सीजन था? तो मुझे कहना पड़ेगा कि उस समय धरती पर ऑक्सीजन नहीं था। बहुत तरीके के ज्वालामुखी हर जगह फट रहे थे, वो समुद्र के अंदर भी और थल के ऊपर भी बढ़ रहे थे, और उनके कारण जो गैसें थी जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रोजन गैसेस ये हवा में आ रही थी, ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो इसलिए पुराने जो जीवाश्म थे, जो आर्कियन काल के जीवाश्म थे, वो अपनी ऊर्जा की आवश्यकताएं इन गैसों से करते थे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं थी। तो बहुत से जानकार या उत्सुक लोग जानना चाहेंगे कि हम ये कैसे जानते हैं कि उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। तो दुनिया में पाए जाने वाले कुछ मिनरल्स ऐसे हैं कि जो जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होकर के वो एक दूसरे ही रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु अगर उस कालखंड में ऑक्सीजन नहीं थी तो वे एज सच डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक जगह हमारा धारवाड़ में ही है कर्नाटक में, जिसमें कि एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसे हम वाणी विलास फॉर्मेशन कहते हैं। उसमें बहुतायत के साथ पायराइट पाया जाता है, लाइमस्टोन के बीच में बहुत खूबसूरत पायराइट के क्रिस्टल्स हैं। ऐसे क्रिस्टल्स को देख करके लगता है कि अगर ये जमा हुए तो कैसे जमा हुए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होता है तो पायराइट फौरन ही सल्फर के एसिड में बदल जाता है, परंतु यहाँ पर हमको ऐसे बहुत खूबसूरत क्रिस्टल मिल रहे हैं। तो हम ऐसा देखेंगे कि आर्कियन कालखंड जो कि 400 करोड़ साल से शुरू होकर के 250 करोड़ साल तक चलता है, इसमें हमारे पास सारी दुनिया में रॉक की बहुत कमी है। ऐसे क्रेटॉन सिर्फ दुनिया में 13 या 14 जगह पाए जाते हैं, और भारत उनमें से एक भागशाली जगह है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, कुछ क्रेटॉन के हिस्से साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, कुछ ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। इसलिए ये कालखंड एक ऐसा कालखंड था जिसमें कि उस कालखंड की बची हुई रॉक अब बहुत कम रह गई हैं। परंतु जब हम 250 करोड़ साल से लेकर के 54 करोड़ साल तक के कालखंड को आते हैं, जिसको भी प्रीकैम्ब्रियन माना जाता है, पर प्रीकैम्ब्रियन के दो हिस्सों में से इसको हम प्रोटोज़ोइक कहते हैं, इस कालखंड की बहुत सारी चट्टानें हमारे देश में मिलती हैं। और हम कहेंगे कि इन चट्टानों से मिलने वाले अवशेष ऐसे हैं जो कि सारी दुनिया में माने जाते हैं और दुनिया को राह दिखाते हैं कि हम जीवन इस धरती पर कैसे आया था और उसमें कैसे कैसे विकास हुआ था। तो मैं एक यहाँ का नक्शा दिखा रहा हूँ, उस नक्शे में देख सकते हैं कि आप हिंदुस्तान के नक्शे में एक प्रोटोजोइक काल की जो चट्टानें हैं वो किन किन जगहों पर जमा हुई थी। इन चट्टानों को हम प्रोटोजोइक बेसिस भी कहते हैं, और ये दक्षिण से लेकर के यानी कि हमारे दक्षिण भारत से लेकर के मध्य भारत, उत्तर भारत और इवन हिमालय के कई सारे हिस्सों में भी ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं। और जब इन चट्टानों को हम पाते हैं तो उनका अध्ययन करा जाता है, और उनमें पाई जाने वाली सेडिमेंट्री रॉक हमको बहुत सारा ऐसे अवशेष दिखाते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि सबके प्राचीनतम है। अब आता है एक बहुत ही मशहूर जगह है हिंदुस्तान में, चित्रकूट। चित्रकूट भगवान राम से भी संबंधित रहा है, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारा समय अपना चित्रकूट में गुजारा था, अपने वनवास के समय का बहुत सारा चित्रकूट में जगह गुजारा था। वहां पर कुछ चट्टानें ऐसी पाई जाती हैं जो कि करीब करीब 160 करोड़ से लेकर के 170 करोड़ साल के बीच की चट्टानें हैं, और इन चट्टानों में ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि सारी दुनिया को
मेस्मराइज कर देते हैं कि ऐसे इतने खूबसूरत प्रिजर्व अवशेष कैसे मिलते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर बना हुआ है वो सकेंद्रीय कोशिकाओं से बना हुआ है। जब शुरुआत में जीवन आया था तो उसके अंदर केंद्रक नहीं था, यानी न्यूक्लियस नहीं हुआ करता था, और विकास के लिए न्यूक्लियस की बहुत आवश्यकता थी। तो हम ये देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 350 करोड़ साल पहले हमको क्या कहते हैं, ऐसे अवशेष मिलने लगे थे जिनमें कि केंद्रक तो नहीं होता था, परंतु जीव के अवशेष थे, जीव के सेल थे, यानी वो कोकॉइड फॉर्म में भी थे, वो फिलामेंट फॉर्म में भी थे, परंतु उनके अंदर कोई केंद्रक नहीं था। अब केंद्रक जिस समय आ जाता है तो वो एक दिमाग की तरीके से काम करने लगता है और उसमें जीवन को आगे बढ़ाने की क्षमताएं होती हैं। तो ऐसे सेल या ऐसे कोशिकाएं कब आई, ये बराबर से प्रश्न बना रहा, और बहुत से लोगों ने कोशिश करी, एक बार प्रयास किया गया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने 270 करोड़ साल पुरानी चट्टानों में ऐसे अवशेष पाए, पर बाद में जब बहुत से सारे लोगों ने उसको चेक किया और चैलेंज किया गया तो पाया गया कि नहीं, शायद उसमें कुछ लेबोरेटरी में कंटामिनेशन हो गया था, तो वो दावा खारिज हो गया। उसके बाद एक अमेरिकन वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया कि उनको भी बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं मिल गई हैं प्री कैम्ब्रियन रॉक्स में, जो कि नग्न आंखों से देखी जा सकती हैं। उसको उन्होंने ग्रेपाइनिया स्पाइरलिस कहा था और ये कहा था कि ये बड़े साइज होने के कारण ये यूकैरियोटिक संरचनाएं हैं। उसको भारतीय वैज्ञानिकों ने और हमारे दल ने जब पुनः स्टडी करी तो स्टडी करके हमने पाया, नहीं, ये धरती में हो रहे अनेक प्रकार के नए प्रयोग थे जिसमें कि प्रोकैरियोट यानी कि जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसे सेल वो अपने आप में बहुत बड़े हो गए थे। तो ग्रेपाइनिया जो डिस्क्राइब किया गया था उसको हम यूकैरियोटिक सेल नहीं मान सकते, परंतु हम फिर से लौटते हैं चित्रकूट की तरफ। तो चित्रकूट में कई छोटी छोटी सी पहाड़ियां हैं और जब वो पहाड़ियां सारी सारी, जैसा मैंने कहा कि प्री कैम्ब्रियन में क्रेटॉन्स होते थे, तो वहां पर बुंदेलखंड क्रेटॉन है। बुंदेलखंड क्रेटॉन के ऊपर जो रॉक्स जमा हुई उन्हें हम विंध्यन श्रृंखला कहते हैं। विंध्यन श्रृंखला के शुरुआती दौर की कुछ चट्टानों का जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे अध्ययन किया तो उसमें हमने पाया ऐसी एक स्थान है संग्रामपुर पहाड़ी, जो कि चित्रकूट में पाई जाती है। जब उस पर आप चढ़ाई करेंगे 250 मीटर करीब ऊंची है, और उसमें जैसे ही बुंदेलखंड ग्रेनाइट खत्म होता है उसके पहली सेडिमेंटरी रॉक्स आती हैं। उन सेडिमेंटरी रॉक्स का अध्ययन करने पर उसमें कुछ ऐसी संरचनाएं मिली जिन्हें कि हम सकेंद्र कह सकते हैं, और उसमें बहुत ही खूबसूरत संरचनाएं ऐसी प्राप्त हुई जिनको कि हम सुयोस्पिरिडियम कह सकते हैं। सुयोस्पिरिडियम में बहुत ही स्पष्ट न्यूक्लियस देखा जा सकता है। इसी प्रकार वहां पर खाली सुयोस्पिरिडियम ही नहीं पाया गया, वहां पर कुछ और संरचनाएं भी पाई गई जिन्हें हम सुयोस्पिरिडियम और साइमेटोस्फेरॉइड, ये ऐसी संरचनाएं थी जो सकेंद्रक संरचना थी और जिनको कि आज दुनिया में माना जा रहा है कि ये दुनिया की प्राचीनतम न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। इनकी आयु जो है वो 160 करोड़ साल कम से कम 160 और अधिक से अधिक 170 करोड़ साल है, इसके बीच में पाई जाने वाली ये संरचनाएं हैं। धारीवादी अवसादी शैल या स्ट्रोमेटोलाइट्स के पास जलमंडल वातावरण और जीवन क्षेत्र की ढेरों जानकारियां हैं, साथ ही पृथ्वी के मौजूदा जीवन क्षेत्र के बारे में भी बहुत जानकारियां हैं। इसलिए इस तरह के जीवाश्म पाए जाने वाले जगहों को जियो हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया जाना बेहद जरूरी है।